सर एग्जाम कॉल पर था सर, तो वहां से फिर सेल नहीं हुआ, फिर वहां से लोअर सर्किट लग गया, फिर लगा, अब ये सेल नहीं हो पा रहा है तो। लोअर सर्किट या अपर सर्किट में तो बाई और सेल होता ही नहीं ना सर, उसकी हाँ बात सर वही छोड़ सर, दीजिए। देखिए पहली बात तो जो बिल्कुल 44 रुपए का जो आपका प्राइस था वो गड़बड़ प्राइस था, नो डाउट। और दूसरी बात, आर पावर में आप, पहली बात तो देखिए भाई साहब, दीक्षित साहब, अच्छा आप अभी YouTube में भी ज्वाइन है ना, तो दीक्षित साहब पहली बात तो ये समझ लीजिए मेरा तो तुक्का है, चल गया तो ठीक है ना। दूसरी बात, आर पावर में मैं आपको यही हिदायत दूंगा सर कि मेरे हिसाब से आपको आर पावर में बैठना चाहिए। आप 44 पर बैठे हों, आप 54 पर बैठे हों, आप 52 पर बैठे हों, उससे कोई भी मतलब नहीं है, उससे कोई भी मतलब नहीं है आर पावर में। क्योंकि आर पावर में अगर मंथली का चार्ट देखेंगे, और मैंने जब इसको बाय दिया था, सॉरी मैंने जब इसको बाय नहीं, ऑब्जर्वेशन जब मैंने आर पावर की दी थी, तब मैंने इसको 10-12 रुपए पर इसकी ऑब्जर्वेशन दी थी, ठीक है जी, दस बारह रुपए की इसकी ऑब्जर्वेशन दी थी। इसलिए मैंने आपको फोन पे लेके मैंने आपको समझाना उचित समझा कि पता नहीं वहां तक यूट्यूब पर आप उसको समझ पाओगे या नहीं, या आपके दिमाग में मान लीजिए कोई इससे इतर भी अगर कोई क्वेश्चन हो रिलायंस पावर को लेके, तो आप उसको पकड़ पाओगे कि नहीं, है ना। इसीलिए मैंने आपको फोन पर ही ले लिया, और सब लोग इसको देखें भी कि मतलब क्यों एंट्री गलत है, तो और क्यों एंट्री से, तो आर पावर में क्यों एंट्री गलत है, आर पावर में मान्यवर एंट्री गलत इसीलिए है कि अगर आप ये स्क्रीन पर देख रहे होगे तो यहां पर ये है ट्रैप, तो ट्रैप में जाके तो ट्रेड लेने का ही नहीं, पहली बात है, नो डाउट आप पीछे भी घुसे लेकिन ट्रैप में जाके ट्रेड लेने के। अब ये ट्रैप बना है तो अब ये ट्रैप 4 कैंडल या 8 कैंडल का रूल फॉलो करेगा, मेरा क्या रहेगा इसमें आपको बात, बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क कर लीजिएगा। मेरी बात क्या रहेगी कि आपको आर पावर में बैठना चाहिए, क्योंकि जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, या जब कभी मैंने इसकी एनालिसिस दी थी आर पावर की, मैंने बोला था यहां से 10-12 रुपए में इसकी अच्छी बाइंग है, और 10-12 रुपए पर आपको अगर मिलता है तो लेकर छोड़ दीजिए। तो अब देखिए सिंपल सिंपल कहने का मतलब यह है कि अब आप इसमें फंस गए, अब आप इसमें फंस गए। फंस कैसे गए? फंस ऐसे गए मान्यवर कि आपने प्राइस को हाई पर जाके लिया, प्राइस को आपने हाई पर जाके लिया। इसीलिए मैं हमेशा आप ही को नहीं, इस वीडियो के माध्यम से, और ये वीडियो सेपरेट जाएगा यूट्यूब पर, इसके माध्यम से दीक्षित साहब मैं यही बताना चाहता हूं कि कोई भी फंडा, कोई मेंटल, कोई भी टेक्निकल काम नहीं आएगा। अगर अपनी आपके प्राइस की स्टेशनिंग सही है तो आप उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल बैठो, लेकिन अगर स्टेशनिंग सही नहीं होगी, जैसे रिलायंस है, मान लीजिए रिलायंस गिर रहा है, टाटा गिर रहा है, कोई भी शेयर गिर रहा है, तो इन सब के तो फंडामेंटल सारे बहुत अच्छे हैं, आप भी जानते हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकल पे बियरिश है सर, तो कैसे लोगे बताओ? नो डाउट मुझे जानना जरूरी है कि फंडामेंटल कैसा है, मुझे जानना जरूरी है कि ये कैसा है, वो कैसा है, लेकिन अगर चार्ट पर ही बियरिश है तो कैसे लोगे, या चार्ट पर गड़बड़ संकेत दे रहा है तो कैसे लोगे? आप समझ रहे हैं बात को, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, तो इस बात को समझिएगा। मेरे तरफ से मैं आपको 2 मिनट बोल देता हूं, मेरे तरफ से हिदायत यह है सर कि आप इसमें बैठे इररिस्पेक्टिव टू एनी सर्किट फर्किट। देखिए अभी मार्केट में जो लोग बैठ के कोने में बैठ के जो लोग गाना गा रहे हैं ना, वो लोग मार्केट को अभी 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 तो आज आपका मार्केट 25,000 चल रहा है, निफ्टी कितना चल रही है अभी, कितना चल रही है भैया निफ्टी आज? अभी निफ्टी चल रही है 24,998, नियर अबाउट 25,000 चल रही है। जो केबिन वाला लोग अंदर बैठा है वो अभी इसको 18,000, 15,000, 16,000 ले जाएगा, और पब्लिक को करेगा गुमराह। पब्लिक तो 100 पॉइंट का गिराव होता है तो उसको क्रैश समझ लेती है। आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे फॉलो करो या कोई मुझे फॉलो करे या ना करे, मैं एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। अब आप रील देखना चालू कर दोगे इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, फेसबुक विद्यालय या यूट्यूब यूनिवर्सिटी में, कि अब मार्केट को लोग गिराना चालू कर देंगे, ठीक है, मार्केट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट कभी भी नीचे नहीं थी। आप 3 महीने का चार्ट जाके लगा लो, मार्केट कभी भी नहीं नीचे थी, और आदमी हो या मार्केट जाना ऊपर ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने अप्रैल मार्च का
प्राइस वाइज करेक्शन देखा था जब सब लाल हो गया था। तो प्लीज सीख कर काम कीजिए। मैं कहीं नहीं रहा हूं कि मेरी मेंटरशिप में आइए, और मैं ये तो मैं कहीं रहा हूं कि मेरी मेंटरशिप में मत आइए, और ये भी कह रहा हूं कि किसी की मेंटरशिप में मत जाइए। जो मैं बता रहा हूं यहां पर समझिए, और ये बात मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि इस तरीके से कोई फोन पर लेके आपकी क्वेरी का लाइव में समाधान नहीं करेगा। है ना? तो काम क्या है कि लोगों को बैसाखी की आदत छुड़ाने वाला काम है। तो इसमें बने रहिए, ठीक है, आर पावर में। बकिया सर आप अपने सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये वीडियो अपलोड होगा, लाइव डिस्कशन विद दीक्षित साहब, आप उस पर जाके आप अपना कमेंट पास कर सकते हैं। मेरे लिए उतना ही बहुत है सर। मैं यहाँ पे कतई सब्सक्राइबर जुटाने नहीं आया हूँ। जब ज्ञान बढ़ेगा सर तो सब्सक्राइबर या जुड़ने वाले लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक है सर? ओके सर, टेक केयर, धन्यवाद।